आज बठिंडा विच चोन रैलियां नू संबोधन करन पहुंचे मेंबर पार्लीमेंट हरसिमरत कौर बादल आप नू कहा कांग्रेस दी बीटी। आज मेंबर पार्लीमेंट बीबा हरसिमरत कौर बादल बठिंडा देहाती ते बठिंडा अर्बन दे विच चोन रैलियां नू संबोधन करन लई पहुंचे हुए सन। इस मौके बठिंडा शहरी दे उम्मीदवार सरूप चंद सिंगला वल्लों बंगले वाली धर्मशाला विच करवाए हवन दे विच उन्हां ने हिस्सा लिया। पत्रकारां नाल गलबात करदी होई मेंबर पार्लीमेंट हरसिमरत कौर बादल ने कहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस दी ही बी टीम है। उन्हां कहा कि बठिंडा देहाती तो आम आदमी पार्टी दी एमएलए ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है ते उस नूं टिकट दित्ती गई है ते बठिंडा शहरी तो कांग्रेस दे एमसी नूं आम आदमी पार्टी ने टिकट दित्ती गई। इस तरह दियां होर बहुत सारियां उदाहरणां हन अते उन्हां बोलदियां कहा कि 111 दिनां दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे रिश्तेदार तो करोड़ां रुपए दी प्रॉपर्टी मिलण तो बाद भी इस नूं दोबारा मुख्यमंत्री दा चेहरा लेके आउणा साडे लई त्रासदी वाली गल है। उन्हां बोलदियां कहा कि सिद्धू जिन्ना चिर वोटां नहीं पै जांदियां उन्ना चिर नहीं बोलदा। इस तो बाद उन्हां वल्लों बठिंडा शहर दे अंदर श्रोमणी अकाली दल अते बीएसपी दे सांझे उम्मीदवार सरूप चंद सिंगला दे हक विच चोण रैलियां कीतियां गईयां। नजायज प्रॉपर्टी के कागज सोना घड़ियां क्या कुछ मिला तो उसके बारे में बोलना चाहिए कि एक दिन में जो एक रिश्तेदार इतना कमा गया तो पूरे 111 दिन में सारा टब्बर कितना कमा गया होगा। बल्कि उसके हक में आके प्रचार कर रहे हैं कि इनको 5 साल और मौका दो लूटने के लिए। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि सिर्फ दलितों की वोटों के लिए इन्होंने चन्नी साहब को सिर्फ 20 तारीख तक कहलाना है, जिस करके सिद्धू साहब चुप हुए हैं। 20 तारीख के बाद एक बार फिर ये सिद्धू साहब को लेके आएंगे। आज अफसोस की बात है कि ये राजनीति जात पात की ये पंजाब में चला रहे हैं, जहाँ पंजाब में दलित हिंदू सिख हर भाईचारा एक भाई की तरह रहते हैं और ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पे जात पात की राजनीति फैला रहे हैं। भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किस हद तक किया है और आम आदमी पार्टी तो उनकी बी टीम होके ऐसे लड़ी है कि अभी अब बिट्टू का उनके सांसद का जो राहुल गांधी के नज़दीक है खुद उन्होंने बोला है कि इनते 47 की कितने हमने उधर भेजे हैं आम आदमी में, जब बुलाएंगे वो वापस आ जाएंगे। सो ये रली मिली लड़ाई इन्होंने 2017 में भी लड़ी थी। एक सत्ता मिल गई एक विरोधी धिर बन गई और ये जो एक मौका मांग रहे हैं तो 5 साल में विरोधी धिर का कामकाज भी लोगों ने देख लिया और सत्ता का भी देख लिया। तो सिर्फ एक श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है जो पंजाब के लिए लड़ती है, पंजाब के हितों की रखवाली करती है, विकास करती है और सहूलतें देती है। मैडम रवनीत बिट्टू तो कह रहे हैं अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनती है तो सुपर सीएम नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। नहीं, सुपर सीएम नहीं, उनको चुप्पी इस करके कराए कि 20 तारीख तक आप रहने दीजिए चन्नी को, नहीं तो दलितों की वोट खराब होती है, इनकी वोटों की राजनीति है, इसीलिए सिद्धू साहब चुप है, नहीं तो वो चुप रहने वाले हैं नहीं। और ये मैं कह रही हूँ कि जब 20 उनके आम आदमी के जताए थे तो 11 कांग्रेस में चले गए हैं। अब आप मुझे बताइए बठिंडे में खड़े हैं जो कांग्रेस का एमसी आज आम आदमी का कैंडिडेट है, इससे और सांठगांठ आपने क्या देखनी है? मेरे पूरे हलके में आप देख लिए, बठिंडा रूरल में जिसको आम आदमी को जताया था रूबी वो आज कांग्रेस की कैंडिडेट है। आगे आप मॉड में चले जाइए, आम आदमी का जीता था कांग्रेस में शामिल हो गया। मानसे में आम आदमी का जीता कांग्रेस में शामिल हो गया। तो ये दोनों रली मिली इसीलिए इन्होंने ये आम आदमी 20 के 20 कोई लोगों के मुद्दे नहीं उठाए, कोई लोगों की लड़ाई नहीं लड़ी, चन्नी के भ्रष्टाचार के लिए भी चुप करके बैठे, पंजाब की राखी क्या करी। अब एक मौका इसीलिए चाहिए है कि जो अदालत में लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब सरकार के खिलाफ कि पंजाब के पानी पे दिल्ली का भी हक है। केजरीवाल चाहता है एक मौका मांग तो वो मांग ही रहा है, एक मौका दो मैं पानी ले जाऊं,
एक मौका मुझे दो ताकि मैं यहाँ के थर्मल बंद कर दूँ, जैसे हलफनामा दिया है अदालत में। एक मौका मुझे दो ताकि यहाँ पे जो किसान पराली जलाता है उसको मैं जेल में डाल दूँ, या उसको मैं जेल में डाल दूँ या करोड़ का जुर्माना, जैसे दिल्ली के लोगों के पैसे से पंजाब के इधर खर्चा कर रहे हैं सारी एडवर्टाइजिंग में, वैसे पंजाब के पैसों से खर्चा देश भर में एडवर्टाइजिंग के लिए खर्चा करेंगे पंजाब का कुछ। तुम चाहते हो कि हर तरह की खबर तक पहुंचे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी ऑल ते करो।